तू मेरा समेरी मेरा तू प्याला, तू मेरा है मेरी मेरा तू प्याला, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। ऐ खुदावंद मेरे तू एक रखवाली, मेरा सब भरोसा तू यो है रब वाली। हालेलुया। मैं अभी लाइव हो जाऊंगा 6 एंड वी विल मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड एंड दैट वुड बी वीडियो, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू फेल्ट दैट वी नीडेड टू प्रे। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बाइबल में हिब्रू में एक फ्रेज है, इट्स अ हिब्रू वर्ड प्ले और यू कैन कॉल इट हिब्रू कोलोकियलिज्म, एंड द हिब्रू फ्रेज इज मिका मोका, मिका मोका, मिका मोका, विच मीन्स हु इज लाइक अन टू अवर गॉड, हमारे परमेश्वर यहोवा के जैसा कौन है। हिब्रू फ्रेज है मिका मोका। हालेलुया। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, लेट मी रीड फ्यू वर्सेस, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसके 15 अध्याय के मैं 4 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। द एनिमी सेड आई विल परसू, आई विल ओवरटेक, आई विल डिवाइड द स्पॉयल, माई लस्ट शैल बी सेटिस्फाइड अपॉन देम, आई विल ड्रॉ माई सोर्ड, माई हैंड शैल डिस्ट्रॉय देम। फिराउन के विषय में लिखा है, जब बनी इसराइल कूच कर गया मिस्र से तो फिराउन के दिल में शैतान क्या डालता है, आई विल परसू देम, आई विल ओवरटेक देम, आई विल डिवाइड स्पॉयल, माई लस्ट शैल बी सेटिस्फाइड अपॉन देम, आई विल ड्रॉ माई सोर्ड, माई हैंड शैल डिस्ट्रॉय देम। मैं उनका पीछा करूँगा, मैं उन्हें घेर लूँगा, मैं उनका सब कुछ लूट लूँगा और मेरी हवस तब तृप्त होगी, मैं अपनी तलवार से उन सबको मारूँगा। फिराउन कह रहा है ये बात। For the people of Israel, जो छुड़ा लिए गए हैं मेमने के लहू के द्वारा, they have already been redeemed by the blood of the lamb, आपको मेमने के लहू से छुड़ाया गया है। हम यहोवा के छुड़ाए हैं, इसलिए अब हमें शैतान पकड़ ना पाएगा, अब हमें शैतान घेर ना पाएगा, अब हमें स्पॉयल या बूटी नहीं बना पाएगा शैतान। फिराउन ये कहता है और 10 वचन में लिखा है, दाउ डिडेस्ट ब्लो विद दाई विंड, द सी कवर्ड देम, दे सैंक एज लेड इन द माइटी वॉटर्स। हे यहोवा, तूने तो, असली हिब्रू में लिखा है, तूने तो अपने मुंह की श्वास से विंड निकली तेरे मुंह से और तूने उन्हें ढांप लिया समुद्रों के पानी में और वो ऐसे डूब गए जैसे लेड, जिसे लेड को क्या बोलते हैं, जिस्त बोलते हैं शायद, हैवी मेटल, वो भारी धातु की नाई पानी में डूब के मर गए। 11 वचन में लिखा है, हिब्रू फ्रेज मिका मौका, हु इज लाइक अन टू दी ओ लॉर्ड अमंग द गॉड्स, हु इज लाइक दी ग्लोरियस इन होलीनेस, फियरफुल इन प्रेज, डूइंग वंडर्स। मिका मौका, कौन है तेरे जैसा यहोवा, देवताओं में तेरे जैसा कौन है,
कौन है परमेश्वर? पवित्रता ही में महिमा से भरा हुआ, भय योग्य, स्तुति के योग्य, हालेलुया, और जो अद्भुत काम करता है। कौन तेरे जैसा है? हिब्रू वर्ड है मिक्का मौका, हालेलुया। आपको मालूम रेवलेशन 13 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, रेवलेशन 13 अध्याय उसके पहले 4 वचन, आपको मैं बताना चाहता हूँ, शैतान परमेश्वर की कॉपी करता है। शैतान के अंदर बहुत जलन है। शैतान की जो हसरत पूरी नहीं हुई वो ये थी, वो कहता था आई विल असेंड अबव द स्टार्स, आई विल मेक माई थ्रोन अबव द थ्रोन ऑफ द मोस्ट हाई। एल लियोन के सिंहासन के ऊपर सिंहासन शैतान बनाना चाहता था, ये उसकी आरजू थी। वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता है, परमेश्वर के समकक्ष, परमेश्वर की नकल करना चाहता है। तो रेवलेशन 13 अध्याय में उसके मैं कुछ वचन पढ़ता हूँ। आई स्टूड अपॉन द सैंड ऑफ द सी एंड सॉ अ बीस्ट राइज आउट ऑफ द सी। समुद्रों में से बीस्ट निकल रहा है। ये बीस्ट है भाइयों और बहनों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये बीस्ट है जो नई दुनिया, न्यू अवेकनिंग जिसे कह रहे हैं लोग, न्यू कॉन्शियसनेस, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू डॉन। पीपल आर गिविंग इट वेरी मैनी नंबर ऑफ न्यू नेम्स। ये नई दुनिया जिसकी ओर ये कोरोना वायरस असर कर रहा है, संसार उस नई दुनिया की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दहलीज पे बैठा है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। बीस्ट, बीस्ट एक किंगडम है, बीस्ट शैतान भी है। शैतान की भी त्रिएकता है, हसतान, झूठा मसीह, सूडो क्रिस्टोस या एंते मसाया, और तीसरा है बीस्ट जंतु। ये जंतु है, ये कहां से निकल रहा है? समुद्र में से। और जिस सी की बात यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखते समय कर रहा है, दैट इज एग्जैक्टली मेडिटेरेनियन सी। इस पर फिर किसी समय हम बात करेंगे, उसकी लोकेशन और वो कौन है, उसके करेक्टरिस्टिक क्या क्या वचन में बताएंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रेवलेशन 13 में लिखा है बीस्ट इज राइजिंग आउट ऑफ द सी हैविंग 7 हेड 10 हॉर्न्स एंड अपॉन हिज हॉर्न्स 10 क्राउन्स एंड अपॉन हिज हेड द नेम ऑफ ब्लैस्फेमी। हर एक वो नाम जो यहोवा परमेश्वर की शान के खिलाफ है, ब्लैस्फेमस नेम लिखा हुआ है। एंड द बीस्ट विच आई सॉ वॉज लाइक अन टू ए लेपर्ड एंड हिज फीट एज द फीट ऑफ अ बेयर एंड हिज माउथ एज द माउथ ऑफ अ लायन एंड द ड्रैगन गेव हिम हिज पावर एंड हिज सीट एंड ग्रेट अथॉरिटी। ड्रैगन कौन है? ये फॉल्स प्रॉफिट है, फॉल्स प्रॉफिट उसे अपनी पावर दे रहा है। और ये जो बीस्ट देख रहे हैं ना आप, ये तरह तरह का लॉयन है, लेपर्ड है और बेयर है, ये सब आपको डैनियल की पुस्तक में मिलेंगे। जितने बीस्ट हैं बाइबल में, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा इसराइलियों से, अगर तुम मेरी वाचा का सम्मान नहीं करोगे, मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को नहीं मानोगे, मेरे हुक्मों को तोड़ोगे और अन्य जाति के जैसे गंदे और घिनौने काम करोगे, और प्रभु ने कहा अगर तुम बाल की पूजा करोगे, बालीम, और ग्रोव्स की पूजा करोगे, ये बेल एंड ग्रोव अगर आप अध्ययन करेंगे, फर्टिलिटी कल्ट हैं, स्त्री का प्रजनन अंग और पुरुष का प्रजनन अंग, इनकी अगर तुम पूजा करोगे, ये निमरोद और सेमरामिस हैं, यही अश्तोरेथ है, यही गायाना है, देवी की पूजा और देवता की पूजा, यही पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में फैला है। और तीसरी चीज प्रभु कहता, आकाश के गणों को पूजोगे, समझ रहे हैं आप, जो राशि फल है इनकी पूजा करोगे और ये फर्टिलिटी कल्ट की पूजा करोगे। तो प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हें सजा दूंगा, आई विल सेंड द सोर्ड, मैं तलवार भेजूंगा, आई विल सेंड द फैमन, मैं अकाल भेजूंगा, एंड प्रभु कहता आई विल सेंड द पेस्टिलेंस। सोर्ड क्या है? सोर्ड जब ऑपरेशन आता था इसराइलियों के ऊपर, उन्हें अमालेकी, हित्ती, जबूसी, गिरगिसाइटी, इजिप्शियन, पैलेस्टीनियन, अलग अलग जिनके अंदर नफलीमों का बीज था, जो फॉलन वॉचर्स की सीड करियर थे, वो कौमें इसराइल को दबाती हैं, सताती हैं। हालेलुया।
और उन्हें गुलाम बना के ले जाती हैं। अशूर में, असीरिया में, मीड्स एंड पर्शियंस की गुलामी में, कसदियों की, कैलेडियन जिसे कहते हैं अर्थात बाबलोनियन की गुलामी में, और प्रभु कहता है मैं अकाल भेजूंगा, फिर प्रभु कहता है मैं पेस्टिलेंस भेजूंगा। ये जो पेस्टिलेंस चल रही है, ये तो बहुत पेस्टिलेंस आएंगी, अभी इसका क्या स्वरूप बनेगा ये प्रभु जानता है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है अगर तुम फिर भी मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तुम तब भी तशुबा नहीं करोगे, यू विल नॉट रिटर्न टू मी, यू विल नॉट रिपेंट, तब मैं बीस्ट भेजूंगा, जंतु। भाई और बहनों, ये बीस्ट आ रहा है। बीस्ट क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, ये संसार परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा है, इसलिए परमेश्वर बीस्ट के हवाले करेगा दुनिया को। ये जो बीस्ट है, और इसकी क्या खास बात लिखी है, ड्रैगन जो ये सरपंट था गार्डन ऑफ ईडन में, नखाश इसका नाम था, लेकिन अब ये क्या बन गया है, ये ड्रैगन बन गया, ड्रैगन। हालेलुया। क्या पे, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ड्रैगन गेव हिम हिज पावर एंड हिज सीट एंड ग्रेट अथॉरिटी। अपनी सीट भी दी ड्रैगन ने, अपनी अथॉरिटी भी दी ड्रैगन ने। एंड आई सॉ वन ऑफ हिज हेड्स एज इट वर वाउंडेड टू डेथ। उसका एक सर को ऐसा घाव मिला कि ऐसे लगा वो मर जाएगा, लेकिन उसका घाव हील हो गया। जब वो हील हो गया, ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड आफ्टर द बीस्ट। ये जैसे यीशु मसीह का क्रूस पे मारे जाना और यीशु मसीह का मुर्दों में से जूठने की कॉपी कर रहा है शैतान, बीस्ट। फिर क्या लिखा है, चौथा वचन, दे वर्शिप द ड्रैगन विच गेव पावर अनटू द बीस्ट एंड दे वर्शिप्ड द बीस्ट। बीस्ट की पूजा करने लगे पृथ्वी के सारे लोग, और क्या कहते हैं, हु इज लाइक अनटू द बीस्ट। शैतान किसकी नकल करता है, यहोवा की। यहोवा को कहते हैं यहोवा के लोग मिक्का मौका, हु इज लाइक अनटू दी ओ लॉर्ड गॉड, हु अमंग द गॉड्स ऑफ द हीदंस कैन कंपेयर विद योर होलीनेस, योर मैजेस्टी एंड योर ग्लोरी। यू डू वंडर्स इन हेवन अबव, अपॉन द अर्थ एंड बनीथ द अर्थ। मिका मौका जो ये टाइटल है, कौन है तेरे जैसा यहोवा, ये परमेश्वर के लिए दिया गया, लेकिन शैतान इसे क्रेव करता है। और पृथ्वी के सारे लोग उसकी पूजा करेंगे और वो उनको निशान देगा, अपना मार्क देगा। भाई और बहनों, बहुत सी फॉल्स टीचिंग यूएस से, कई कंट्री से आ रही है, जो फॉल्स टीचिंग ये कहती है, इवन इफ़ यू हैव टेकन द मार्क ऑफ द बीस्ट, डोंट वरी, यू स्टिल कैन बी सेव्ड। I am telling you, that's a lie that has come from the pit of hell. It is the great deception that is coming upon the body of Christ. Huge part of the church will become apostate. A big part of the church will deviate from the true word of God. They will turn their back to the truth. और ये ऐसे होगा, और ये हो रहा है। जो उसका निशान लगा लेंगे उनके लिए मुक्ति नहीं है, वो फिर बचाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो हम परस्तिश करें कुछ समय, अभी मैं लाइव हो जाऊंगा और मैं वीडियो से होना चाहता हूं, एग्जैक्टली 6 o'clock मैं वीडियो से हो जाऊंगा लाइव, और एक छोटा सा संदेश आपके साथ बांटूंगा। आइए हम पहले प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावंद नो डीक दिरे आराम नल मेरी जान, कि ओस्तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, खुदा थी मेरी है नजात, खुदा थी मेरी है नजात, है ओस थी मेरी शान,
है ओस्थि में रिशान, खुदावंद मेरी पना है जोर मेरे दी चट्टान, खुदावंद मेरी पना है जोर मेरे दी चट्टान, खुदावन्नु ओडीक दीरे आराम नल में रिजान, आसो दे उते रखो सब, आसो दे उते रखो सब, ए उम्मतो सदा, ए उम्मतो सदा, चुकावो दे अगे दिल के ओ है खुदा, चुकावो दे अगे दिल के ओ है खुदा, खुदा वन्नु उड़ीक दिरे आराम नल मेरी जान, आराम नल मेरी जान, आराम नल में। आइए प्रार्थना करें, अगर आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में हैं आप, इफ़ यू कैन लिफ्ट अप योर हैंड दैट विल बी वंडरफुल। लेट्स प्रे। हेवनली फादर, वी थैंक यू सो मच for your love, Lord, that you poured out, that indeed was liquid love, that oozed out from the side of Emmanuel, as the Roman soldier plunged the spear mercilessly into his side. Lord, you put Adam to sleep. That was the anesthesia that you gave him. And you took his rib and closed up the place with flesh. Lord, you are the greatest master surgeon. You took his rib and you created woman. You took his very DNA and you made a woman who was compatible for him. Lord, you also put your son on the cross. Hallelujah. And after he had died, he just slept temporarily. You took from his side his bride. His bride is created by the water and the blood. Hallelujah. वो खून और वो पानी जो बर्रे की साइड में से निकला। Hallelujah. हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने, तार तार बह लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बार बार बह लहू यीशु का, द फाउंटेन ऊज्ड आउट ऑफ ए साइड। हालेलुया, द वॉटर एंड द ब्लड गश्ड आउट ऑफ द साइड ऑफ इमैनुएल। गॉड द फादर क्रिएटेड ग्लोरियस इम्पेकेबली फ्लॉलेस स्पॉटलेस रिंकल फ्री डेजलिंग ब्यूटिफुल absolutely gorgeous bride for the bridegroom. Hallelujah. Thank you, Lord, that you wash me with the blood that oozed out of your side and you cleanse me with the water. Hallelujah. Give you praise that you purify me consistently each day with the water, with the precious water of your word. Hallelujah. You remove my wrinkles. Lord, you remove all the blemishes and all the impurities and you cleanse me daily.
आई थैंक यू जीसस ऑफ नाजरेथ। हालेलुया, यीशु नासरी तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू अपने खून से हमें धोता है। यीशु मसीह तू हमारी झुर्रियाँ दाग धब्बे दूर करता है, अपनी जवानी के पवित्र लहू से हमें शुद्ध करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, वी ब्लेस यू, वी मैग्नीफाई यू लॉर्ड, मैग्नीफाई लॉर्ड, वी सरेंडर आवर हार्ट्स टू यू लॉर्ड, वी यील्ड आवर माइंड विल इमोशंस टू यू लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, वी आर योर बॉन्ड स्लेव्स, वी आर ओबेदिया, वी आर योर ओबेद लॉर्ड। हालेलुया, वी सरेंडर आवर विल टू यू लॉर्ड जीसस। मे यू नॉट ओनली रिजाइड इन माय हार्ट बट यू प्रिजाइड ओवर एवरी अफेयर ऑफ माय लाइफ जीसस। हालेलुया, यू आर माय लाइफलाइन, यू आर माय लाइफ जीसस। एवरीथिंग ऑफ माय लाइफ लैचेस अनटू यू लॉर्ड, एवरीथिंग हालेलुया ऑफ माय लाइफ hinges unto you Lord Jesus. You are my light, you are the light of my countenance Lord Jesus. मैं तेरे खून को छिड़कता हूँ, जितने लोग इस समय खुदावंद ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं इन सब पे तेरे लहू को छिड़कता हूँ। लॉर्ड आई कवर एवरी वन दैट इज राइट नाउ कनेक्टेड टू दिस ऑडियो ब्रॉडकास्ट, आई कवर एवरी वन अंडर द ब्लड ऑफ द लैम, आई स्प्रिंकल योर ब्लड, I sprinkle like the priest would sprinkle the blood and would bring everything under the blood, so that the blood may reign and rule over everything. So Lord, similarly I sprinkle your blood. Hallelujah. तेरे खून को छिड़कता हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा क्यों महायाजक खून छिड़कता था, खून छिड़कने से क्या होता है, आज खून कैसे छिड़का जाता है, बर्रे का बेऐब लहू कैसे हम छिड़क सकते हैं, सेवन टाइम्स क्यों छिड़का जाता था। हालेलुया, शिबा, उसे शिबा बोलते हैं, सेवनिंग करना, यू नो गेटिंग गॉड इनटू एन ओथ, यू नो पुटिंग गॉड इनटू एन एग्रीमेंट बाय सेवनिंग थिंग्स। हालेलुया, मैं कल आपको बता रहा था बेयर शिबा, बेयर का मतलब वेल, शिबा का मतलब सेवन, दी सेवन वेल और सेवन वेल्स ऑफ डिवाइन ओथ। हालेलुया, तो सात बार लहू स्प्रिंकल किया जाता था। आज हम ही थोड़े समय में वचन के माध्यम से सीखेंगे। हालेलुया, खुदावंद मैं एक एक को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ। 6 o'clock जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं, खुदावंद तेरा रूह हमारे ऊपर जुम्बश करे, तुझे जलाल देते हैं। यू आर मिक्का मोका, हु इज़ लाइक अनटू यू लॉर्ड, कोई तेरे तुल्य नहीं है, तू महान है। हालेलुया, तू राजा दे राजा है, तुझे जलाल देते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। पूरे 6 o'clock एग्जैक्टली 6 मैं लाइव हो जाऊंगा और एक पावरफुल वचन हम शेयर करेंगे। हालेलुया, सीखेंगे प्रभु के चरणों में द वॉटर एंड द ब्लड, व्हाट इज द सुपर नेचुरल सीक्रेट इन द वॉटर एंड द ब्लड एंड द ब्लेसिंग्स दैट एंटेल। हालेलुया, एंड द प्रोफाउंड कवनेंट दैट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द वॉटर एंड द ब्लड। सो 6 PM अभी से, अभी 15 मिनट रह गए, 15 मिनट के बाद मैं वीडियो से ऑनलाइन होता हूँ और हम इस वचन पे मनन करेंगे। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। आई विल सी यू आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद मिलते हैं। जय मसीह की।